आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने अमेरिका से देशवासियों के नाम एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत के आह्वान पर आज 108 देशों ने एक झंडे तले आकर योगाभ्यास किया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में योगाभ्यास किया और प्रदेश के अन्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने अलग अलग जगहों से योगाभ्यास किया। लखनऊ से जनवाड़ी के लिए विजय पांडे की रिपोर्ट। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के दो रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के दो ध्रुव ही योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अपने सांस पर ही ध्यान को केंद्रित करना, अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी। एक धैर्य, एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगी क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष योग के अन्य उच्चतम सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो सकती है। लेकिन सामान्य साधक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह अत्यंत एक आवश्यक कार्य है। ऐसा हम नहीं करना है कि कुर्सी पर बैठे
मास्टर के वापस आ जाए, एक बार पुनः बनाना इस अभ्यास को। हथेली बाहर की ओर रहे, दोनों हाथ के बीच में कंधे के बराबर चौड़ाई के बराबर डिफरेंस पूरा देखिए। हमारा समायोजन एक साथ खूबसूरत लग रहा। वापस अब दोनों हाथों को कंधे पे रखें, आप अपनी कोहनियों को आगे घुमाते हुए डॉग वाइज धीरे धीरे घुमाना, बहुत तीन साल है तीन बार कम से कम ड्रॉप वाइज घुमा ले। और तीन बार वापस एंटी ड्रॉप वाइज योग का ये प्रोग्राम